औरत हमेशा दो चीजें छुपाती है सबसे, एक तो अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। शमशान की राख को देखकर मन में एक विचार आया, केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरे से कितना जलता है। जिंदगी जुआ है और विवाह एक दाव, अच्छा साथी मिला तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी हो गई बर्बाद। जिसमें बेचती महिला को ये समाज वैश्या कहती है, तो फिर खरीदने वाला पुरुष क्या हुआ? जहां से हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत शुरू हो जाती है। नारी त्याग की मूरत है, पुरुष संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूं महान किसी को, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जरूरत है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, फिर किसी की औकात नहीं कि आपको रुला सके। मर्द की ऊंची आवाज औरत को चुप जरूर करा सकती है, मगर औरत की खामोशी मर्द की बुनियाद हिला देती है। शादी हो जाएगी तो खुद ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद में उन बेटों के लिए जिन्हें आप खुद नहीं संभाल पाए, किसी दूसरे की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करें, सबसे पहले उनका इलाज करवाएं। शादी के कितने भी साल क्यों ना हो, दामाद कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता है, लेकिन एक लड़की शादी के 2-3 दिन बाद ही ससुराल को अपना घर बनाना शुरू कर देती है। क्या आप उस इंसान को माफ कर सकते हैं जिसने आपका हद से ज्यादा दिल दुखाया हो? कमेंट करके जरूर बताएं।